नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैशिंग को ASP.NET MVC के अंदर क्यों यूज़ में लिया जाता है और इसे किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कैशिंग का कॉन्सेप्ट होता है वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। आप चाहते हैं कि यूज़र का जो स्टैटिक डेटा है, उस स्टैटिक डेटा को अगर आप यूज़र के कंप्यूटर में या फिर वेब सर्वर पर या प्रॉक्सी सर्वर पर अगर स्टोर करना चाहते हैं, जिसे फर्दर उसे फ्रिक्वेंटली एक्सेस किया जा सके, तो उस कंडीशन में आप कैशिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कैशिंग प्रोवाइड्स अ वे टू स्टोरिंग फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड रीयूजिंग दैट डेटा। तो ये वही कॉन्सेप्ट हो गया कि जो होम पेज है, होम पेज का जो कंटेंट स्टैटिक है, तो स्टैटिक कंटेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कंप्लीट प्रोसेस को, जो इस MVC पाइपलाइन होती है, उसे कंप्लीट MVC पाइपलाइन को कॉल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि आपके पेज का कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन, सब कुछ आपका एक बार ही होगा, वन टाइम होगा। उसके बाद वो कैशे मेमोरी में उसका आउटपुट स्टोर हो जाएगा और उस कैशे से आप डेटा को इम्प्रूव गेट कर लेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी साइट की जो है वो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने एक सिंपल सा एक ASP.NET MVC का एक पेज बना, एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलर पर जाके एक नया कंट्रोलर बनाता हूँ। कंट्रोलर का नेम मैंने दे दिया होम, और होम कंट्रोलर के अंदर मुझे सारे टास्क परफॉर्म करने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि आउटपुट कैशिंग को मैं दो लोकेशन पे डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आउटपुट को कैशिंग को कंट्रोलर लेवल पे कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे कंट्रोलर के ऊपर जाके और आउटपुट कैसे को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके से लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा कि इस कंट्रोलर के अंदर जितने भी एक्शंस आएंगे, हर एक्शन का जो डेटा होगा वो कैसे मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होगा। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ स्टोर नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक्शन लेवल पर डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आउटपुट कैसे को इधर डिफाइन करूँगा। अब इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो आपको पैरामीटर्स डिफाइन करने, लाइक ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि कितने टाइम तक आप डेटा को वेब सर्वर पे या क्लाइंट पे आप स्टोर करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये ओनली 10 सेकंड तक ही स्टोर रहे, या अभी सिंप्लिसिटी के लिए और टाइम एग्जीक्यूशन के कम करने के लिए मैं 5 दे देता हूँ। जो ये वैल्यू देते हो आप, वो सेकंड्स के अंदर आती है। फिर इसके बाद दो तीन चीज़ें होती हैं, लाइक आप इसे किस लोकेशन पर स्टोर करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो लोकेशन होती है वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं, आउटपुट कैसे लोकेशन, ठीक है ना, जो कि आपके अवेलेबल होती है system.web.ui पैकेज के अंदर। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद आप देखें यहाँ आपको अलग अलग लोकेशंस मिल रही हैं। जैसे एनी का मतलब होता है कि अगर आप जो यूज़र का डेटा है या फिर जो कैश डेटा है, उसे आप वेब सर्वर पे, प्रॉक्सी सर्वर पे, ब्राउज़र पे, जहाँ पर भी आप स्टोर करना चाहते हैं, उसे आप एनी को सेलेक्ट करेंगे। क्लाइंट का मतलब होता है कि आप क्लाइंट साइड पे ही स्टोर करना चाहते हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि इसके जो HTTP प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल पे आपको कहीं प्रॉक्सी सर्वर पे स्टोर करना है। नन का मतलब होता है कि आपको कहीं पर भी स्टोर नहीं करना, यानी कि आपको कैशिंग इंप्लीमेंट नहीं करनी है। सर्वर का मतलब होता है कि वेब सर्वर पे स्टोर करना चाहते हैं, और सर्वर एंड क्लाइंट का मतलब होता है कि आप सर्वर पे या फिर दोनों साइड पर, सर्वर और क्लाइंट दोनों साइड पर अगर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर एनी का यूज़ कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट ये एनी होता है। इसके बाद आप एक दो चीज़ें और सेट कर सकते हैं, लाइक नो स्टोर। नो स्टोर का मतलब होता है कि आप इसे सेकेंडरी स्टोरेज में, वेब सर्वर के सेकेंडरी स्टोरेज पे नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में आप नो स्टोर का यूज़ करेंगे। और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी मैं उन सारे पैरामीटर्स को डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, एक पैरामीटर और हो सकता है, दैट इज़ वेरीफाई परम, जो कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वेरीफाई परम के अंदर आप कुछ पैरामीटर के करस्पॉन्डेंस में करना चाहते हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक यूज़र के लिए जो डेटा है वो सर्वर पे जाना चाहिए। जैसे आपके एक पास एक टेबल है, एक टेबल के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय की डिटेल्स 1 से लेकर 10 तक है, ठीक है। 1 ID है आपका, एम्प्लॉय ID है। अगर आप चाहते हैं कि 2 के करस्पॉन्डेंस, जब यूज़र 2 से एक्सेस कर रहा है, एम्प्लॉय ID 2 है जिसका, और वो अगर एक्सेस करता है तो उसका डेटा कैशे में जाके स्टोर हो जाए। लेकिन 3 का अगर डेटा है, वो डिफरेंट डेटा है, तो वो 3 का अलग से स्टोर होना चाहिए। तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई परम का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ बाय डिफॉल्ट जो होता है वो नन होता है। तो ये आपने इसे स्टोर कर दिया। अब आप क्या करें, यहाँ इसे का कंटेंट रिटर्न करें, ठीक है। कैशिंग को चेक करने के लिए मैं यहाँ कंटेंट को यहाँ रिटर्न कर देता हूँ, और सिंपल एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, डेट टाइम इज, ठीक है, कॉन्क्रीट किया डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग। ओके, ये मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, एक सिंपल सा मेथड है, इसे मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। अब एग्जीक्यूट कराया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। देख सकते हैं आपके सामने जो टाइम आ रहा है वो 7:44:30 आ रहा है। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें 7:44:36, यानी कि अब आपका रिफ्रेश करने पर टाइम अपडेट नहीं हो रहा है। लेकिन ये टाइम कब अपडेट होगा, जब इसका 5 सेकंड का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने आउटपुट कैशे के अंदर 5 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। तो जो वेब सर्वर से डेटा आ रहा है वो डेटा कैशे के अंदर जाके स्टोर हो रहा है, और कैशे के बाद डायरेक्टली आपको क्लाइंट पे नहीं मिल रहा है, मतलब क्लाइंट को मिल रहा है। तो इस वजह से कैशे मेमोरी का डेटा आपका इस तरीके से मेंटेन होता है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ डेटा आपका फ्रिक्वेंटली चेंज होता है वहाँ आपको कैशे के अंदर स्टोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो कैशे डेटा आपको दिखाता ही रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक।
तो ये हो गया कि आपको कोई पैरामीटर के अकॉर्डिंग नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैरामीटर के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आउट ड्यूरेशन को थोड़ा सा मैं अपडेट कर देता हूँ और मैं 20 सेकंड कर देता हूँ। लोकेशन मैं किसी भी लोकेशन पे स्टोर कर सकता हूँ और पैरामीटर के अंदर मैंने यहाँ आईडी दे दिया। तो मैं आईडी के करस्पॉन्डेंस में करना चाहता हूँ और यहाँ एक्शन के अंदर चेंजेस कर देते हैं। गेट ईएमपी मैंने एक्शन का नेम दे दिया और गेट ईएमपी के अंदर जो मैं पैरामीटर ले रहा हूँ वो मेरा आईडी पैरामीटर हो गया। और आईडी पैरामीटर में मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पैरामीटर को और शो कर दूँ, तो ईएमपी आईडी जैसे मैंने लिख दिया ईएमपी आईडी इज और कॉन्क्रीट करा दिया आईडी को प्लस आईडी ओके और करंट ये आपने अलग से कॉन्क्रीट करा दिया, करंट डेट टाइम इज ये ओके। तो आईडी के करस्पॉन्डेंस में अब ये डेटा को स्टोर करेगा। आपने 20 सेकंड तक के डेटा को स्टोर किया हुआ है। अब ये हो गया आपका करंट डेट टाइम आपका यहाँ स्टोर हो चुका है, ठीक है। आईडी आपने यहाँ स्टोर कर ही दिया। अब आप एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखिए, गेट ईएमपी आपका एक्शन का नेम है और 20 सेकंड तक का डेटा आपका कैशे के अंदर जाके स्टोर होगा। तो एक बार मैं डीबगिंग को रोक देता हूँ और फिर उसके बाद री एग्जीक्यूट कराता हूँ और देखता हूँ कि मुझे क्या आउटपुट मिलता है। तो रिटर्न कंटेंट में आईडी के करस्पॉन्डेंस में आपका डेटा स्टोर होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं होम गेट ईएमपी जो मेरा एक्शन का नेम है स्लैश टू मैंने इस तरीके से एंटर किया। तो आप देखें ईएमपी आईडी टू पर जो करंट टाइम आ रहा है वो 7:46:37 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 3 कर देता हूँ तो 3 के करस्पॉन्डेंस में अपडेट हो गया 7:40:45। लेकिन अगर वापस से मैं 2 पर जाऊँगा तो आप देखेंगे 7:46:37 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का जो डेटा है वो आपका कैशे के अंदर जाके स्टोर हो चुका है। अगर मैं 4 के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो आप देखें 7:46:58 आ रहा है। अगर वापस से मैं 3 पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो आपने कैशे में स्टोर किया हुआ था पहले से डेटा और 20 सेकंड तक ये डेटा मेंटेन रहेगा। तो थर्ड आईडी के करस्पॉन्डेंस में जो डेटा है वो जो टाइम है वो जो टाइम है वो 20 सेकंड तक मेंटेन रहेगा, 20 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो ये जो तरीका होता है इसे अपन बोलते हैं आउटपुट कैशे और वेरीफाई परम। अब इसके बाद मैं एक चीज़ और यहाँ यूज़ में लेना चाह रहा हूँ जो कि कई जगह पर यूज़ में आती भी है और लोग इसे डेवलपर्स इसे फॉलो करते भी हैं, वो होता है कैशे प्रोफाइल ओके। तो कैशे प्रोफाइल भी एक थोड़ा सा मतलब टाइम बचाने के लिए एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं हम इसे। मैंने यहाँ जैसे दे दिया एडमिन ओके। तो कैशे प्रोफाइल क्या है और अच्छा एक इसमें चेंज कर दीजिए, आपने गेट ईएमपी आईडी 2 कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर कैशिंग की सेटिंग सेट कर सकते हो आप। वो कैसे सेट करते हैं अपन, आपको यहाँ लिखना है कैशिंग ठीक है। कैशिंग के बाद आपको कुछ पैरामीटर्स को सेट करना है, लाइक आप यहाँ सेट करते हैं आउटपुट कैशे सेटिंग्स और आउटपुट कैशे सेटिंग के अंदर भी आपको आउटपुट कैशे प्रोफाइल को यहाँ मेंटेन करना है, जो प्रोफाइल आपकी यहाँ जो डिफाइन करना चाहते हो। जैसे मैंने एडमिन दे दिया, अब ये एडमिन ही क्यों दिया उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। होम कंट्रोलर के अंदर जो मैंने कैशे प्रोफाइल लिया वो एडमिन लिया, तो आप कैशे प्रोफाइल यहाँ एडमिन को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि कितने सेकंड्स तक डेटा मेंटेन रहना चाहिए, या आपने 10 सेट कर दिया। फिर आप इसकी लोकेशन भी सेट कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे आप डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे मैंने एनी कर दिया। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ एक कैशे प्रोफाइल डिफाइन कर दी। अब होगा क्या, आपको जैसे मैं इसी वाले कंटेंट को उठा लेता हूँ यहाँ से ओके। ये मैंने पूरा कंटेंट उठा लिया और उठाने के बाद जैसे मैं आईडी वाईडी के करस्पॉन्डेंस में नहीं करना चाहता हूँ, गेट ईएमपी 2 के करस्पॉन्डेंस में मुझे अब डेटा को देखना है और देखते हैं कि क्या कैशे प्रोफाइल काम कर रही है। कैशे प्रोफाइल में आपने एडमिन दिया हुआ है और बाकी आपको एट्रीब्यूट डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये एट्रीब्यूट आप ऑलरेडी इस कैशे प्रोफाइल के अंदर सेट कर चुके हैं। तो चलिए अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है। तो मैं आ जाके क्या करता हूँ कि होम कंट्रोलर के अंदर गेट ईएमपी 2 ये मैंने या गेट ईएमपी 2 मैंने यहाँ सेलेक्ट किया जो मेरा एक्शन का नेम है। अब आप देखें यहाँ जो टाइम आ रहा है वो 7:49:13 आ रहा है। अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो टाइम आपका अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि टाइम आपका कैशे के अंदर जाके स्टोर हो चुका है। जो ड्यूरेशन आपने इस कैशे प्रोफाइल के अंदर सेट की हुई है उतनी ड्यूरेशन तक ये डेटा मेंटेन रहेगा, यानी कि 10 सेकंड्स के अंदर। अगर आप इसे 10 सेकंड के बाद करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका टाइम अपडेट हो गया। तो दोस्तों ये आउटपुट कैशिंग होती है जो कि आपकी साइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ में आती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतना मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा, एक मैं प्रोजेक्ट भी यहाँ डेवलप करूँगा ASP.NET MVC के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।